किसान आंदोलन को लेकर आ रही है इस समय एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट सामने आया है किसान आंदोलन को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में हुई किसान आंदोलन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई, लेकिन बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि अदालत इस मामले पर पहले से सुनवाई कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में है, पहले से ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इस जनहित याचिका में शंभू बॉर्डर समेत सभी हाईवे को खोलने के लिए केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह हाईवे को अवरुद्ध करना लोगों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, साथ ही ये नेशनल हाईवे एक्ट और BNS के तहत भी अपराध है। ऐसे में हाईवे को रोकने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और सुप्रीम कोर्ट केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकारों को प्रदर्शनकारी किसानों को हाईवे से हटाने के निर्देश जारी करें। तो ये बड़ी खबर आई है इस समय कि हरियाणा पंजाब की सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर पर हो रहे किसान आंदोलन से हाईवे जाम के मामले पर जो दाखिल याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। आज शाम को किसान पूरे मामले को लेकर मीटिंग भी करने वाले हैं, तो उसमें अलग से देखना होगा कि क्या चीजें सामने आती हैं। फिलहाल किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के मामले की सुनवाई के दौरान एक नई अर्जी दाखिल कर शंभू बॉर्डर सहित अन्य बॉर्डर को खोलने की गुहार लगाई गई थी। आज इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। तो ये है इस समय किसान आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में जिस याचिका पर सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मामला पहले से ही उनके संज्ञान में है और पहले ही वो इस पर सुनवाई कर चुके हैं। तमाम मुद्दे पर सारे अपडेट्स के लिए आप बने रहिए किसान तक के साथ। किसान तक खाना है तो उगाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।